जब हम पिछले निर्वाचन में अगर जाएंगे तो हर निर्वाचन हर 5 साल में आता है, निर्वाचन हर 5 साल में जाता है। सत्ता आती है, सत्ता बदलती है, पावर आता है, पावर बदलता है। आदमी कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, ये बात आप याद रखें। लेकिन निर्वाचन में हारने का दुख नहीं है मुझे, क्योंकि पापा ने कभी झुकना सिखाया नहीं है। आज भी हूं, आज भी लड़ूंगी, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके हाथ के साथ, सपोर्ट के साथ आगे बढ़ूंगी। मुझे हारने का गम नहीं है, लेकिन एक चीज का गम जरूर है, जो विरोधी दल के नेता है। मुझे पता है कि ऐसा माहौल नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आज सब लोग ऐसे हैं कि परिवार के लोग हैं, तो मैंने कहा थोड़ी दिल की बातें आपसे बता दूं। जो मेरे जो ओपोजिशन के लोग हैं, उन्होंने इतने कोई बड़े मार्जिन से तो जीते नहीं है, 1300 वोट का था, लेकिन एक चीज का दुख जरूर हुआ है, जो एक नेगेटिव प्रचार मेरे बारे में किया गया, एक जो नेगेटिव बातें मेरे बारे में बोली गई कि क्या बोले, दीपाली बहुत एटीट्यूड में रहती है, बहुत घमंडी है, उसका एक वीडियो लीक हुआ कि वोट देना है तो दो वरना मत दो, ये सारी बातें जब मेरे बारे में बोली गई कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, मेरे में बहुत गर्व है, मैं लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, यहाँ जितने भी महिला बैठी हैं मुझसे शायद सहमत होंगी, एक औरत का, एक लड़की का, एक औरत का, एक महिला का गुरूर, उसका अभिमान, उसका मान, उसका सम्मान उसके पापा, उसका पति, उसका भाई होता है, मानते हैं ना? तो मेरे जीवन में मेरा अभिमान, मेरा गुरूर, मेरा सम्मान मेरे पापा थे। जिस दिन मेरे पापा इस दुनिया से गए, मेरा अभिमान भी टूटा, मेरा गुरूर भी टूटा, मेरा सब कुछ टूटा। तो जिस लड़की पहले स्वास्थ्य मंत्री की बेटी के नाम से समाज में जानी जाती थी, जब मेरे पापा गए तो विधायक के रूप में आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनी, मेरे भाई का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था। तो मेरा प्रश्न ये है, जिस लड़की के ऊपर ना बाप का साया है, जिस लड़की के ऊपर ना कोई चीज का साया है, उस पे किस बात का घमंड, उस पे किस बात का गुरूर? जब मेरा मान ही चला गया, जब मेरा गुरूर ही इस दुनिया से चला गया, तो मैं किस चीज का घमंड करूंगी? क्या है मेरे पास ऐसा जिस चीज का मैं घमंड करूंगी? तो यही मेरा उनसे एक चीज है कि आप निर्वाचन लड़िए, आप निर्वाचन लड़िए, विकास के नाम पर लड़िए, आप निर्वाचन लड़िए, काम के नाम पर लड़िए, आप निर्वाचन लड़िए, विश्वास के नाम पर लड़िए। किसी के बारे में ऐसे, किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के जो जिस इंसान को आप जानते भी नहीं है, उस इंसान के बारे में ऐसा भला बुरा मत बोलिए। दूसरी बात, उन्होंने बोला वीडियो दिखा के कि दीपाली ने बोला है वोट देना है तो दो वरना मत दो। मैं आज सबसे यहाँ पे आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरा वो पूरा वीडियो देखा है, किसने देखा है मेरा पूरा वीडियो? आपने देखा है? उस पूरे वीडियो में मैंने बोला था कि आप वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला था, लेकिन दीपाली दास बिना वोट के भी आपके लिए काम करेगी, आप वोट देंगे तो भी आपके लिए काम करेगी, नहीं देंगे तो भी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि मैं एमएलए या किसी वोट के लिए आपके पास नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, उनके मीडिया चैनल को मेरा वीडियो को कट कर दिया और वहां पे दिखाया कि दीपाली बोल रही है कि वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो मेरा कहना यह है, क्या आप मुझसे इतना डरते हैं? क्या लोग जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या उस प्यार से आप इतना डरते हैं कि आपको मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी बोल के इलेक्शन जीतना पड़ा? खैर, इन सब बातों में और क्या रखा है, बस मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मेरे मन में किसी के लिए कोई अहंकार नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मेरा गुरूर, मेरा घमंड, मेरा अभिमान मेरे पापा थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और आने वाले दिनों में भी मैं कोई पद या ना पद, आज तो मेरा, मैंने तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सत्ता आती है, सत्ता बदलती है, पावर आता है, पावर जाता है, समय बलवान होता है, और मैं आज यहाँ पे सबके सामने बोलती हूँ, मेहनत करूंगी, मेहनत करूंगी, आप लोगों का भरोसा फिर से जीतूंगी। और आप लोगों को तो पता है, जैसे कहते हैं, तुम मेहनत में वफादारी रखो, सफलता तुम्हारे तरफदारी खुद करेगी। तो मेहनत करूंगी,
वापस से आप लोगों का विश्वास जीतूंगी। आज भी यही हूं और एक चीज मैं बस बोलना चाहूंगी कि हर समय अपना आवाज उठाऊंगी। जहां समर्थन देने की बात आएगी वहां समर्थन दूंगी। जहां झारसुगुड़ा के विकास का बात आएगा अगर अच्छा काम करेंगे तो 100% समर्थन दूंगी। और जिस जगह झारसुगुड़ा के विकास के अगेंस्ट में बात उठा मैं किसी से नहीं डरूंगी, चाहे वो मुझे घमंडी कहे, चाहे वो मेरा वीडियो क्लिप वायरल करे, आवाज उठाऊंगी और सबके लिए उठाऊंगी। मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब मैं विधायक थी एक साल में मारवाड़ी महिला समिति को मैंने कमिटमेंट करा था उनका घर बनाने के लिए, कुछ राशि का मैंने आप लोगों को कमिटमेंट करा था। और जब शारदा आंटी भी आई थी तो उनको मैंने स्पेशली बोला था, और आंटी भी आई थी तो मैंने उनको बोला था कि इसको मैं करके दिखाऊंगी। तो कुछ लोगों के मन में, मतलब आपके नहीं, कि बाहर मार्केट में ऐसा कुछ बोला है कि अब तो विधायक नहीं है अब कैसे काम करेगी। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, आज भी म्युनिसिपैलिटी में मेजॉरिटी काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन मेरे परिवार की तरह मेरे पीछे खड़े हैं। आज भी पंचायत में सारे सरपंच, सारे समिति, सारे जिला परिषद मेरे साथ परिवार की तरह खड़े हैं। और आज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, भले ही मेरा विधायक होने का जो कहते हैं पीरियड एक साल का था, लेकिन जो जो कमिटमेंट मैंने किया है उसको मैं समय से पूरा करूंगी। कैसे पूरा करना है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेरी तरफ से कमिटमेंट था आप लोगों के लिए। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आप सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत साथ दिया है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मैं कभी खाली नहीं जाने दूंगी। बस एक है, जिन लोग मुझे दिल से जानते हैं, जो लोग मेरे साथ मिले हैं, जो लोग मुझसे बात करते हैं, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबके एक बेटी, एक बहन और आपकी लड़की के नाते